पटेल इंजीनियरिंग की। आज की बात करें तो स्टॉक में हमको बड़ी बाइंग बड़ा जम देखने के लिए मिल रहा है। 7% के ऊपर के अपसाइड के साथ स्टॉक जो है फिलहाल हमको ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। हम देख सकते हैं इस वक्त स्टॉक जो है 63.20 पैसे पर फिलहाल ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। स्टॉक ने गिरावट दिखाई थी, इससे पहले जहां सपोर्ट लिया था 56.50 के लेवल पर, उसी लेवल पर सपोर्ट लिया। जम के बाद अगेन रिजेक्शन गिरावट आई तो आपने इस लो को ब्रेक डाउन नहीं किया। अगेन जम के बाद गिरावट आई तो इस लो को ब्रेक डाउन नहीं किया। हमने कहा था कि स्टॉक इस लेवल पर सपोर्ट लेता नज़र आ रहा है, यहाँ से रिकवरी दिखा सकता है। लेकिन हमने एक और बात को डिस्कस किया था, इसका जो ये हाई है 65 का लेवल, उसके अकॉर्डिंग एक और बात को डिस्कस किया था, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, दोबारा से कोशिश करेंगे इसी बात को डिस्कस करने की। लेकिन पहले हम इस वक्त सपोर्ट लेवल की बात करते हैं। बाउंस बैक के साथ स्टॉक ने अपने इस हाई को जहाँ से रिजेक्शन लिया था 62 के लेवल को इस ऊपर की ओर ब्रेकआउट कर चुका है। यही लेवल अब इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा, 62 का लेवल। हमने इससे पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि एटलीस्ट स्टॉक को इस हाई को ब्रेकआउट करके सस्टेन होने देना है अपने इस हाई के लिए के ब्रेकआउट के लिए। स्टॉक ब्रेकआउट कर चुका है, इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। ब्रेकडाउन कर जाता है तो नेक्स्ट सपोर्ट 60 का लेवल और तगड़े और इम्पोर्टेंट सपोर्ट का रोल प्ले करेगा, जो इसका लो है। गिरावट के साथ जहाँ से सपोर्ट लेकर बाउंस बैक किया 56.50 का लेवल। हमने डिस्कस किया था कि इस लेवल से यानी 65 के लेवल से स्टॉक ने रिजेक्शन लेकर गिरावट दिखाई है, तो हमको इसके ब्रेकआउट का इंतज़ार करना है। 65 के लेवल के ब्रेकआउट का स्टॉक उसी के आसपास हमको नज़र आ रहा है। इसके आसपास फ्रेश बाइंग को थोड़ा सा अवॉइड करना ठीक है रहेगा, क्योंकि इससे पहले भी हमने यहाँ से गिरावट देखी है, अगेन रिजेक्शन ले गया तो फिर इस लो को भी ब्रेक डाउन कर सकता है। इसीलिए थोड़ा सा फ्रेश बाइंग को अवॉइड करना ठीक रहेगा। अपना इमीडिएट टारगेट ही रहेगा 65 का लेवल। लेकिन जिस तरह से बाइंग के साथ हम देख सकते हैं, जिस तरह से बाइंग के साथ हमको रिकवरी देखने के लिए मिली है, सेलिंग बिल्कुल भी हमको देखने के लिए नहीं मिली। बायर लगातार हमको एक्टिव होते हुए, हावी होते हुए नज़र आ रहे, तो इस कंडीशन के हिसाब से 65 का लेवल ब्रेकआउट होता नज़र आ सकता है। इसको ब्रेकआउट करके सिग्नल सस्टेन हो गया तो हमको सिग्नल रहेगा इस बात का, क्लियर कट अपसाइड का सिग्नल रहेगा। अब 65 के ब्रेकआउट के बाद सस्टेन हो जाता है तो, अगर 65 के लेवल को ब्रेकआउट करके सस्टेन हो गया तो अगला टारगेट 70 और इसके साथ 70.50 से लेके 74 तक के टारगेट पटेल इंजीनियरिंग हमको शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है।